अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 15,000 से कम की रेंज में जो फ़ोन आ रहे हैं जिनमें क्यू मोबाइल भी शामिल हो चुका है। पहले क्यू मोबाइल का आपको कोई भी फ़ोन इस रेंज के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता था, तो लेकिन अब क्यू मोबाइल ने इधर अच्छा ऑप्शन लेकर आ गए हैं जो कि इनका व्यू सीरीज़ में तीन फ़ोन आए हैं जो कि 11,000 से स्टार्ट होती है और 13,900 की प्राइस में इनका लेटेस्ट प्रो वाला फ़ोन है जिसमें आपको मीडिया टेक का 25 वाला चिपसेट दिया जा रहा है। 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4000 mAh की बैटरी, बैक पे 3 कैमरे और फ्रंट पे 5 MP का कैमरा जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं तो 13,000 की प्राइस में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स टेक्नो इससे अच्छे फ़ोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या और कोई भी ब्रांड आपको इस तरह का फ़ोन दे रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो अभी तक कोई ऐसा फ़ोन नहीं है। सबसे सस्ते जो ब्रांड है इन्फिनिक्स और टेक्नो या वो भी आपको इस तरह का फ़ोन नहीं दे रहे, आपको 15,000 की प्राइस से ऊपर इस तरह की स्पेसिफिकेशन दी जा रही है, यानी 3 कैमरे, मीडियाटेक A25 वाला चिपसेट, 3 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज। तो क्यू मोबाइल ने बहुत ही स्ट्रेटजी खेली है कि ना ही आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन दी है लेकिन प्राइस के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से पैसे और डालें तो इससे अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाती है Redmi 8A में, जिसमें आपको बैटरी अच्छी मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, कैमरा उधर एक है लेकिन सोनी का लेंस है। लेकिन क्यू मोबाइल में आपको जो 3 कैमरे दिए जा रहे हैं ना, वो ना तो सोनी के हैं ना ही सैमसंग के हैं, जो लोकल आपको डिजिटल कैमरे लगा के इन्होंने दिए हैं। परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाएगी, 13,000 की प्राइस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा अगर आपके पास 6 से 7,000 इजाफी है, अभी टेक्नो ने एक फ़ोन लॉन्च किया है टेक्नो प्रीवियर 4 प्रो के नाम से, जिसमें आपको 6 GB की रैम, 128 GB की स्टोरेज और मीडियाटेक का P22 वाला चिपसेट मिलता है। इससे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको उस फ़ोन में मिलेगी। रैम बहुत ज़्यादा है जो कि इसी टाइप की होने वाली है जो कि आपको क्यू मोबाइल में दी जा रही है। तो 13,000 की प्राइस में अभी तक तो ये ऑप्शन काफ़ी तगड़ा लग रहा है। तो अगर आप इस फ़ोन को अभी ले रहे हैं तो थोड़ी सी देर गुजरने के बाद 6-7 महीने इसकी रीसेल वैल्यू आपको इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो अगर आपने रीसेल वैल्यू को देखते हुए फ़ोन लेना है तो फिर आपको 20,000 की रेंज में कोई फ़ोन खरीदना पड़ता है, जो कि ओप्पो रियलमी में से कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं जैसा कि 20,000 में जा पड़ते हैं वो। वैसे 13,000 की प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, कोई भी ब्रांड आपको इस स्पेसिफिकेशन के साथ कोई भी फ़ोन नहीं दे रहा। तो अगर आपका बजट 13,000 है, 15,000 से कम है, 12,000 है, इस तरह का बजट है, तो आप इस फ़ोन को ज़रूर चेक करें, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। नॉर्मल यूजेज के लिए ये बेस्ट रहेगा, अगर आप पबजी खेलने के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो फिर ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना, आपको Redmi 9 लेना चाहिए जो कि आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस पबजी में आपको कमाल की इस फ़ोन में मिलेगी। तो 13,000 में आप पबजी नहीं खेल सकते, सिर्फ नॉर्मल यूजेज के लिए फ़ोन ले सकते हैं, डे टू डे यूजेज के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।